बरेली में संविदा कर्मी द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर उसकी संविदा समाप्त कर दी गई, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर संविदा कर्मी की संविदा वापस करने और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई है। तहसील मीरगंज के धंतिया गांव में रोजगार सेवक शिव कुमार ने उच्च अधिकारियों को शिकायत की कि मीरगंज के धंतिया गांव में भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में कई अधिकारी फंसते नजर आए। मामले में पेज फंसने पर शिव कुमार को संविदा से निकाल दिया गया। इसके बाद आज उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर आगामी 2 अप्रैल तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। जी मेरा नाम विनोद कुमार है। मांग ये है कि हमारा निर्दोष जो निर्दोष साथी है शिव कुमार धंतिया गांव से, चाहते हम लोगों की ये मांग है कि वो निर्दोष है, उसकी जो कार्रवाई की गई है वो वापस की जाए। मेरा नाम गंगा दीन कश्यप है, ग्राम रोजगार सेवक संगठन में मैं जिलाध्यक्ष हूँ। आज हमारे जनपद बरेली के ब्लॉक अध्यक्ष गण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में सर्वप्रथम जो हमारी मांग है, अभी कुछ दिन पूर्व विकासखंड मीरगंज की ग्राम पंचायत धंतिया में एक प्रकरण सामने आया है। उस ग्राम पंचायत में रेखा स्वयं सहायता समूह के जरिए एक कार्य मनरेगा कार्य कराया जा रहा था, हाईटेक नर्सरी का निर्माण कार्य। उसमें जिलाधिकारी व उच्च अधिकारियों द्वारा एक जांच बैठाई गई। जांच में वो प्रकरण में जो है भ्रष्टाचार पाया गया। उसी सिलसिले में संबंधित जितने भी कर्मचारीगण थे उनके खिलाफ उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई की हुई है, जिसमें हमारा ग्राम रोजगार सेवक साथी जो कि निर्दोष था उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करी गई है। हम उसी के खिलाफ यहाँ पे एकत्र हुए हैं, जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, हमने ज्ञापन दिया है। हमारे साथी का दोष ना होते हुए भी हमारे साथी की संविदा समाप्त कर दी गई है। यदि हमारे साथी की समय रहते संविदा समाप्ति का जो कार्रवाई करी गई है वापस नहीं ली जाती है तो 2 अप्रैल 2023 से इसी दामोदर स्वरूप पार्क में अनिश्चितकालीन आंदोलन पे हम लोग बैठ जाएंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।